तू जहाँ है मैं हूँ ही क्या ऐसे मेरे उड़ तुझको मान। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आप कुछ इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है काइन मास्टर। तो आपको काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद इस आपको करना ही क्या है, यहाँ पे आपको अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर ले तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इस आपको करने क्या है, आपके यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सीधे मीडिया पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस आपको इसको इस तरीके से अपना सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पे जितना बड़ा आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहें उतना बड़ा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की लेंथ को कर लेना है। अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, आप इसकी स्पीड पे जाके इसकी स्पीड भी कम कर देना तो इसका लेंथ आपका बड़ा हो जाएगा। या तो फिर आपको स्पीड नहीं कम करनी है तो इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट असलियर करके आपको बैकग्राउंड की लेंथ को बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस आपको इतने में ही आपको बता देता हूँ आप किस तरीके से बना सकते हैं, आप जितना मन हो अपने हिसाब से बना लेना। तो आपको यहाँ पे इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद ही आपको करने के इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है और इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। देन आपको यहाँ से होना है बैक, और बैक होने के बाद ही आपको स्टार्टिंग पे आना है। देन आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना है। और मीडिया पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप जो भी अपनी फ़ोटो पीएनजी को ऐड करना चाहें तो इस तरीके से अपनी फ़ोटो का पीएनजी बना के आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ही आप यहाँ पे जिस तरीके से रखना चाहें अपने हिसाब से अपनी पिक को यहाँ पे ऐड करना है। तो इस तरीके से अपनी पिक को इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करना है। देन आपको यहाँ पे क्रॉपिंग पे जाना है और मास्क इनेबल करना है, और यहाँ पे इस पिक को इस तरीके से अपने हिसाब से इसको क्रॉप करके इसका आपको फेदर बढ़ा देना है। और फेदर बढ़ाने के बाद ही आपको यहाँ पे टिक करना है। देन आपको यहाँ पे इस पीएनजी को इस तरीके से जूम करना है, और जूम करने के बाद ही आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ही आपको करने के इसकी लेंथ को आपको खींच के लास्ट तक ले जाना है, और लास्ट तक ले जाने के बाद ही आपको यहाँ पे इस पीएनजी के ऊपर अपना क्लिक करना है। देन आपको इसके अल्फा ऑपेसिटी पे जाना, और इसके अल्फा ऑपेसिटी को आपको यहाँ पे इस तरीके से कम कर देनी है। तो यहाँ पे जितना आपका मन हो अपने हिसाब से उसको कम कर देना। तो यहाँ पे मैं इसको 70 के आसपास कर दे रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर देना। तो इस तरीके से कर देना है। करने का आदेश आपको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने का आदेश आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको फिर से मीडिया पे जाना है। देन आपको यहाँ से अपनी उसी वाली फ़ोटो पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है जो पीएनजी को आपने यहाँ पे पहले ऐड किया है। यहाँ पे अगर दूसरी भी ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी पीएनजी को यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐड कर लेना। देन आपको यहाँ पे रोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस तरीके से अपने हिसाब से जिस तरीके से रखना चाहें अपने हिसाब से रोटेट करके रख लेना है। रखने के बाद इस आपको इस तरीके से जूम करके आपको यहाँ पे नीचे को इस तरीके से ऐड कर देना है, और इसकी लेंथ को खींच के आपको लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद इस आपको यहाँ पे इतना आगे आ जाना है, और इतना आगे आने के बाद इस आपको यहाँ पे चाबी का आइकन मिल रहा होगा तो आपको यहाँ पे चाबी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको स्टार्टिंग पे आके इसको आपको इस तरीके से
खींच के अंदर की ओर आपको इसको छिपा देना है। छिपाने के बाद इस आपको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इतना हो गया है। इतना होने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है, देन आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे एक फोटो पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। इस पीएनजी का भी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इस आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने का जैसे आपको करना ही क्या है, इसके आपको क्रॉपिंग पे जाना है और इस तरीके से इसको आपको यहाँ पे हल्का सा इसको इस तरीके से क्रॉप कर देना है और इसका मास्क इनेबल करके इसका स्पेस आपको इसको इस तरीके से फेदर को आपको फुल कर देना है और फेदर फुल करने के बाद इसे आपको ठीक करना है। देना आपको यहाँ पे इस पीएनजी के ऊपर क्लिक करके इसको इस तरीके से जूम करके आपको यहाँ पे इस तरीके से नीचे को ऐड कर देना है। नीचे को ऐड करने के बाद इसे आपको टिक करना है, देन आपको इसकी लेंथ को खींच के आपको यहाँ पे लास्ट तक लेके आ जाना है। लास्ट तक लेके आने के बाद इसे आपको यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पे आना है, देन आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद के इस आपको यहाँ पे एक ये वाले लिरिक्स वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अगर इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद इस आपको इस तरीके से इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस आपको करने के इसके आपको नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे चले जाना है, देन आपको यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा तो स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस आपको यहाँ से बोलना है बैक और बैक होने के बाद इस आपको यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट पे चले जाना और एडजस्टमेंट पे जाने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट और इसका सिचुएशन आपको हल्का सा बढ़ा देना है। तो इस तरीके से आपको बढ़ा देना है और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद इस आपको इसके लास्ट के ऑप्शन पे आना और इस लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे स्कैची का ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू ऐड अपलोड करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा वर्क कट करने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है, देन आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे एक ये वाले टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अगर इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद इस आपको यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा का भाग होगा तो आपको इस तरीके से आके कैंची का ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट करके उसका एक्स्ट्रा भाग कट कर देना और इसको स्टार्टिंग से आपको रख लेना है। स्टार्टिंग से रखने के बाद इस आपको यहाँ पे इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको इसके एडियो के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इसका एडियो आपको सबसे पहले म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद इस आपको यहाँ से हो जाना है बैक और यहाँ पे थ्रीआउट पे क्लिक करना है, देन आपको इसको फिल स्क्रीन कर देना है। फिल स्क्रीन करने के बाद इस आपको यहाँ से हो जाना है बैक और बैक होने के बाद इस आपको यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस आपको यहाँ से होना है बैक और बैक होने के बाद इस आपके इसके एडजस्टमेंट पे जाना है और इसकी सिचुएशन और कॉन्ट्रास्ट हल्का सा आपको इंक्रीज कर देना है। तो इंक्रीज करने के बाद इस आपको यहाँ पे इसके भी लास्ट के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू ऐड अपलोड करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। कट करने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है और आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पे मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद इस आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आके इस वाले पार्टिकल को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद इस आपको इसको इस तरीके से रोटेट करके आपको इसको जूम कर लेना है और इसको आपको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। ऐड करने का आदेश आपको इसके ऐडियो ऑप्शन पे जाना और इसका ऐडियो आपको म्यूट करना है, देन आपको नीचे ब्लेंडिंग पे जाना है और ब्लेंडिंग पे जाने के बाद इस आपको इसको भी स्क्रीन कर देना है और यहाँ से हो जाना है बैक। बैक होने के बाद इस आपको इसकी एडजस्टमेंट पे जाना और इसका कॉन्ट्रेक्स्ट और सिचुएशन और यहाँ पे नीचे आपका ये जो है इसको भी हल्का सा इंक्रीज कर देना है और इसका भी हल्का सा टेम्परेचर भी हल्का सा इंक्रीज कर देना है और यहाँ पे इसका हाईलाइट आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कर देना है और करने के बाद इस आपको करने के इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और इसका आपको यहाँ पे कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम टू ऐड अपलोड करके एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है और आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद इस आपको सिंपली आपको यहाँ पे एक ये वाला
बॉर्डर पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। इस बॉर्डर पीएनजी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद ही आपको इस थीरोड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे ऐड करके इसकी लेंथ को आपको लास्ट तक ले जाना है। लेंथ लास्ट तक ले जाने के बाद गाइस दे सकते हो ये वीडियो बन के कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं गाइस इस वीडियो को आपको यहाँ पे ओपन करके इसका प्रिव्यू आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाए। तो जैसा गाइस दे सकते हो वीडियो काफ़ी कमाल का बन गया है। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करने गए सिंपली आपके यहाँ पे ऊपर की ओर एक एक एरो का ऑप्शन मिल रहा है, तो एरो के ऊपर अपना आपको क्लिक कर देना है। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा। तो जैसे ही ये लाइन पूरी हो जाएगी तो गाइस आपका वीडियो बनके गैलरी पे सेव हो जाएगा।